नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक CCBL ही कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और CSC से इंश्योरेंस सर्विस में एक्टिवेशन करना चाहते हैं, यानी कि बीमा की सर्विसेज आप अपने CSC सेंटर से देना चाहते हैं, चाहे वो वाहन बीमा हो, जीवन बीमा हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, फायर हो या और भी तरीके के जो इंश्योरेंस होते हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स में आप काम करना चाहते हो, क्योंकि इनमें कमीशन आज की डेट में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हर किसी हालत में लोगों को लेना ही पड़ता है। जैसे अगर आपके यहाँ पे दो पहिया चार पहिया वाहन है तो उसका इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ता है, अदरवाइज आपको चालान और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये वाली इंश्योरेंस वाली सर्विसेज आप करते हैं, आजकल वाहन सबके घरों में है और हेल्थ इंश्योरेंस हो, जीवन बीमा हो, इनका प्रीमियम कलेक्शन हो, ये सारा सर्विस भी बहुत अच्छा चलता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप ये इंश्योरेंस वाली सर्विसेज आप अपने यहाँ पे करना चाहते हो, अभी नहीं कर रहे हो, तो किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट रहेंगे और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन रहेगा, कोई दिक्कत आती है तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। वेली सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नए हैं, ज़रूर ज्वाइन करिएगा, यहाँ से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो CSC इंश्योरेंस सर्विस का पोर्टल है, insurance.csccloud.in, यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए अपने डिजिटल सेवा पोर्टल जो है वहाँ पे इंश्योरेंस की सर्विस आपकी चालू हो जाए, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी रहती हैं। सबसे पहले ये है कि जो VLE का है वो कक्षा 10वीं पास होना ज़रूरी है, तभी वो VLE का INS और RAP दो एग्ज़ाम होता है। या तो आप INS करके इंश्योरेंस सर्विस में एक्टिवेट हो सकते हैं, या रूरल अथोराइज पर्सन RAP का एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आप इंश्योरेंस सर्विस भेज सकते हैं। इसके लिए RAP के भीतर 16 मॉड्यूल होते हैं और VLE INS में 16 मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, और परीक्षा के लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक हैं, 100 में से 35 अंक चाहिए अगर आप RAP करना चाहते हैं, और VLE INS के लिए 25 में से 10 नंबर आपके पास होने चाहिए, तभी आप इन एग्ज़ाम में पास होंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपकी इंश्योरेंस सर्विस चालू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक CCBLE हैं, CSC से, चाहे लाइफ इंश्योरेंस रिन्यूअल हो गया, मोटर कम्प्रहेंशिव हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फसल बीमा, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर हो गया, फायर अलायड कैटल इंश्योरेंस हो गया, ये सारा सब कुछ सर्विस में आप काम करना चाहते हो, तो आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद अगर आप जो है VLE INS का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हो, RAP का करना चाहते हो तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको जो है यहाँ से ट्रेनिंग अंडरगो कर लेनी है अपना CSC ID के साथ में लॉगिन करके, और फिर यहाँ पे आप जो है CSC के माध्यम से इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए सर्टिफाइड हो या नहीं हो तो यहाँ से जाके आप आगे की चीज़ें भरोगे, तो वहाँ से आपके लिए ट्रेनिंग भी अरेंज हो जाता है। प्लस आप यहाँ पे बहुत सारे जो कैंपेन चलते रहते हैं, बहुत सारे जो इसमें कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं इंश्योरेंस के भीतर, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करके आप जो है अच्छा खासा इसमें जो है कमीशन और आप रिवार्ड जीत सकते हो। प्लस डिजिटल अवेयरनेस और डाउनलोड मटेरियल भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कि किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कौन सा प्लान है, उसके साथ में कौन कौन सी चीज़ें उसमें मिलेंगी, टू व्हीलर पॉलिसी है तो उसमें क्या क्या रहेगा, वो सारा सब कुछ। आप जो है इफ़को टोक्यो का इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा सब कुछ आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें पूरा ब्रोशर दिया रहता है, पूरी जानकारी दी रहती है। आप अपने CSC सेंटर की डिटेल ऐड करके लोगों में बंटवा सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एडवाइज़र वाले में। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एग्ज़ाम दे दिया है, फिर भी आपकी सर्विस अगर एक्टिवेट नहीं हुई या कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया रहेगा। इस हेल्पलाइन नंबर पे आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करके भी आप अपनी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर भी मेल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे INS का और RAP का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिख रखा है CSC RAP एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है और किस तरीके से आपकी सर्विस एक्टिवेट होगी, उसका पूरा लाइव है प्रोसेस, वहां से जाके ज़रूर पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी CSC इंश्योरेंस सर्विस एक काफ़ी अच्छा सर्विस है, इसमें काम करके आप अपनी गाड़ियों को तो बीमा कर ही सकते हैं, प्लस बाकी आसपास के लोगों का भी इंश्योरेंस रिन्यूअल, प्रीमियम कलेक्शन और बाकी इंश्योरेंस सर्विस देकर आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो एक इंश्योरेंस एजेंट की तरीके से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।